कई बार इनविटेशन रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने मिस्टर हैरी और उनकी वाइफ ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया दोपहर के खाने के लिए। गोपाल दास जी उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत किया और फिर टेबल पर उनका फेवरेट खाना जो साउथ इंडियन का सांभर था वो आ गया। अब सभी लोग खाना खाने लगे। गोपाल दास जी ने देखा कि हैरी और ललिता का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। मतलब होता है ना, एक अच्छे वाइफ हस्बैंड की जो जोड़ी होती है, बस वैसे ही उन लोगों की बॉन्डिंग लग रही थी। खाना खाने के बाद गोपाल दास ने हैरी और ललिता को खाने के लिए थैंक यू बोला और फिर उन्होंने हैरी से कहा, हैरी आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगा दो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। फिर हैरी ने कहा, टैक्सी? आप मेरे होते हुए टैक्सी में कैसे जाओगे? फिर हैरी ने अपनी लेक्सस कार निकाली और उसमें गोपाल दास और हैरी दोनों बैठकर मुंबई की सड़कों पर जाने लगे। मुंबई की सड़कों पर कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना स्टार्ट हो गया और हैरी और गोपाल दास ट्रैफिक जाम के बीच में फंस गए। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसने स्टीयरिंग व्हील पे अपना सर पटक दिया और रोने लगा। तो फिर गोपाल दास ने हैरी से पूछा कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तो हैरी ने गोपाल दास से कहा कि क्या कोई सोच सकता है कि एक लेक्सस कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है और समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ा घर है और वह इंसान अपनी लाइफ से खुशी नहीं है? मतलब जिन चीज़ों के बारे में लोग सपने देखते हैं कि अगर ये चीज़ें उनके पास होगी तो खुश रहेंगे, आज वो सारी चीज़ें मेरे पास है पर मैं अपने लाइफ में खुश नहीं हूँ। तो फिर गोपाल दास ने हैरी से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो? फिर हैरी ने अपनी प्रॉब्लम्स को बताना स्टार्ट किया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था पर मम्मी पापा के प्रेशर के कारण मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और मैंने IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और फिर मैं MBA करने के लिए हार्वर्ड चला गया। फिर वहाँ पे मुझे ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, हम दोनों इंडियन थे इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर कुछ साल बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए और फिर हम इंडिया में आकर रहने लगे। उसने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लिया और मैं अपना जॉब करने लगा। उसके बाद से मेरे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगा, पर आखिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी लाइफ से खुशी नहीं हूँ? क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है और इसी कारण से मेरा रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और जिसके कारण हमारे बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। और एक दिन तो झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि वह मुझसे तलाक तक मांगने लगी। अब ना ही मुझे घर पे अच्छा लगता है और ना ही ऑफिस में अच्छा लगता है, अब मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो फिर गोपाल दास ने हैरी से कहा कि देखो हैरी, इस ट्रैफिक जाम में कितने तरह तरह के लोग हैं, उनके पास कितने तरह तरह की गाड़ियाँ हैं, पर हम सभी लोगों में तीन चीज़ें कॉमन है। पहला कि हम सभी लोग फंसे हुए हैं और दूसरा हम सभी लोगों को अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को कम्प्लीट करना है और तीसरा हम सभी लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर ये ट्रैफिक जाम हो ही ना तो हम फंसे नहीं रहेंगे, हम बड़े ही आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जाम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्दी और एक क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें हैप्पी लाइफ जीना है तो इसके लिए हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जाम को हटाना पड़ेगा। पर आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनके माइंड में एक ट्रैफिक जाम है, और अगर उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि उस ट्रैफिक जाम को वो कैसे हटा सकते हैं। तो फिर हैरी ने कहा कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने माइंड के ट्रैफिक जैम को हटा सकता हूँ और एक हैप्पी लाइफ जी सकता हूँ। तो फिर गोपाल दास ने हैरी को जिंदगी के चार पहियों के बारे में बताना स्टार्ट किया। उन्होंने हैरी से कहा कि देखो हैरी, हर कार में चार पहिए होते हैं, अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा ना रहे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे ये जो चार पहिए हैं कार के, वो हमारे लाइफ के चार प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारे पर्सनल लाइफ को बताता है, जबकि दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप वाले लाइफ को, और तीसरा पहिया हमारे वर्क, और चौथा पहिया हमारे सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं चार चीज़ों में हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इंक्लूड होती है। तो अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन चार पहियों की केयर करनी होगी, इनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। तो फिर गोपाल दास ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को बताना स्टार्ट किया उस ट्रैफिक जैम के बीच में। गोपाल दास कहते हैं, दुनिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वह है हमारी खुद की लाइफ। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें क्या सही होंगी? तो इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो पांच चीज़ें बताते हैं। नंबर वन, सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखो। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखना स्टार्ट करते हो तो आपको खुद बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और आप खुश रहने लगते हो। और जब आप लोगों में निगेटिव चीज़ें देखने लगते हो तो आपके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ आपको गलत ही नज़र आता है, और जब चीज़ें आपको गलत नज़र आती है तो आप दुखी होने लगते हो। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दो।
क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहीं पर बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर आप बुरी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते रहोगे तो बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो जिससे आप खुश रहोगे, और जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहो। नंबर 2, से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते और इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। पर जरा आप एक सेकंड के लिए सोचो कि आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, और आपके पास हाथ पैर भी है, पर इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं है। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते और वो लोग मर जाते हैं बारिश में, ठंडी में, पता नहीं उनके बच्चे, उनकी फैमिली कैसे रहती है। उनके पास कपड़े नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। तो इसलिए आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान मुझे ये सब चीज़ें देने के लिए। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हो और आप खुश रहने लगते हो। नंबर 3, प्रेस स्टॉप बटन। आज दुनिया में लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो लोग अपनी पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं और वो लोग भागने में इतने बिजी होते हैं जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है और वो लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो और अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हो, जिनसे आपको एक्चुअल में खुशियाँ मिलती हैं। नंबर 4, वरी नॉट, यानी चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो चिंता क्यों? अच्छा, मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते तो चिंता क्यों? अच्छा, अब मैं इस सवाल को आपसे 3री बार पूछता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो आप उस काम को करो ना यार, चिंता क्यों करते हो? मतलब जिन चीज़ों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर जिन चीज़ों के लिए हम कुछ कर सकते हैं हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, मेडिटेशन। रिसर्च ने प्रूव किया है कि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो निगेटिव पार्ट होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी हमारे अंदर से गुस्सा, जलन, घमंड, ये सब जैसे निगेटिव थॉट्स हैं वो सब निकलने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं और हम खुश रहने लगते हैं। वैसे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और बताता हूँ जो इस बुक में नहीं है, पर वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि बॉडी हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। तो ये था हमारा पर्सनल लाइफ। अगर हमें अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना है तो इन सब चीज़ों को हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तभी हैरी के फ़ोन पर उसकी वाइफ ललिता का कॉल आ जाता है और हैरी उसका फ़ोन कट कर देता है और उसे साइड में रख देता है। ट्रैफिक थोड़ा क्लियर होता है तो वो थोड़ा आगे जाते हैं और फिर से ट्रैफिक लग जाता है और फिर से वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो फिर गोपाल दास हैरी को लाइफ के दूसरे पहिए यानी रिलेशनशिप के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो हमारा सक्सेस होता है 85% हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आखिर हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है। सोचो अगर आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके घर वालों के साथ हमेशा झगड़े होते हैं, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप खुश रह पाओगे? आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होना जरूरी है। तो उसके लिए गौर गोपाल दास 6 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1, सेंसिबिलिटी, कि हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 2, लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखो। 5 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो केवल बुराइयाँ देखते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करो, कुछ भी कर लो, बस वो लोग आपके अंदर बुराइयाँ ही देखेंगे। नंबर 2, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं पर आपकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं पर दोनों चीज़ों के लिए वो न्यूट्रल रहते हैं, मतलब ना ही वो आपकी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं और ना ही बुरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें देखते हैं पर जानबूझ के आपकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पर थोड़ा समझदारी से। और नंबर 5, ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीज़ें देख ही नहीं सकते। ऑथर बोलते हैं कि ऐसे लोग या तो भगवान हो सकते हैं या तो स्पिरिचुअल लेवल पर जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए गौर गोपाल दास बोलते हैं कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रांग करना है तो हमें 4थे टाइप का इंसान बनना चाहिए। नंबर 3, इन्वेस्ट करो। 2017 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने गौर गोपाल दास जी को जीवन और काम के बीच में कैसे बैलेंस बनाए इस पर स्पीच देने के लिए बुलाया। तो वहाँ पे गौर गोपाल दास जी ने एक बात बोली कि म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन है कि उन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है।
म्यूचुअल फंड में तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पर जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बना के रखना है तो सबसे पहले आपको उनमें टाइम, लव, बिलीव, तारीफ करना, इंपॉर्टेंट फील कराने जैसी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए। नंबर 4, फॉरगिवनेस, यानी माफ़ करना। कहते हैं ना, अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, उसके लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम इसी तरह अगर किसी से गलती होता है या कोई आपको हर्ट करता है तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ गलत करते हो, तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। इससे ना केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है बल्कि हमारा जो थोड़ा बहुत मेंटली प्रॉब्लम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। पर हाँ, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब अगर कोई किसी का रेप कर दिया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो ये सब चीज़ें गलत है और इसके लिए कानून है, और ऐसे लोगों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। मतलब आपके पास दिमाग है, आप अपनी थोड़े इंटेलिजेंस को यूज़ करो कि कहाँ पे आपको सॉरी बोलना है, कहाँ पे आपको माफ़ करना या नहीं करना है। नंबर 5, फ्रेंड सर्कल, आपके जो दोस्त हैं जिनके साथ आप घूमते हो, ये लोग आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप घूमते हो, आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। तो ज़रा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ घूमते हो जिसके रिलेशनशिप लोगों के साथ ऑलरेडी ख़राब रहते हैं, जो हमेशा मारपीट, झगड़े की बातें करता हो, हमेशा निगेटिव बातें करता रहता हो, तो आप चाहो या ना चाहो उसकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। तो इसलिए आपको इन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ घूमो जो लोग पॉजिटिव हों, जो लोग अच्छी बातें करते हों, और जिन लोगों का लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। नंबर 6, इसमें मैं आपके साथ ऐसी 3 चीज़ें शेयर करूँगा जिसका यूज करके हमारा रिलेशनशिप किसी के भी साथ बहुत ही अच्छा हो सकता है। नंबर 1, लेन देन, मतलब अगर कोई भी चीज़ हम किसी से लेते हैं या किसी को कोई चीज़ देते हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर 2, साथ में खाना खाना, पार्टी करना, इससे भी हमारे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। नंबर 3, जब हम लोग नंबर 1 एंड नंबर 2 को फॉलो करते हैं तो हमारे बीच एक बिलीफ पैदा होने लगता है, फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं, जिससे हमारे बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो गोपाल दास ने हैरी से कहा कि ये थी वो 6 चीज़ें जिसे अगर तुम अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हारा किसी के साथ भी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रैफिक जाम क्लियर होता है और वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं, तभी हैरी की वाइफ ललिता का कॉल आ जाता है। इस बार हैरी ललिता का कॉल उठाता है पर नेटवर्क इशू के कारण बात नहीं हो पाती। तो फिर गोपाल दास हैरी को वर्क लाइफ के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1, पैसन, कि आज के टाइम में लोग बस पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए उस काम को करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, चाहे उस काम में उनको खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। सोचो, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हो जिस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आता, तो क्या आप उस काम को कभी भी अच्छे से कर पाओगे, और क्या आप उस काम को करके खुश रह पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए आप उस काम को करो जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो, जिस काम में आप पैशनेट हो, और उसी काम में अपना करियर बनाओ। पर आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है, वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो आखिर आप कैसे जान सकते हो कि आपका पैशन क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक जापानीज तरीका बताता हूँ जिसको जापान के लोग अपना पैशन ढूंढने के लिए यूज में लाते हैं। इस तरीके का नाम है इकिगाई, यानी जीने का कारण, यानी हमारा उद्देश्य। इसमें आपको खुद से 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर इन 4 क्वेश्चन का आंसर हाँ होता है तो ही आपका पैशन है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कौन सा काम पसंद है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या उस काम को करने के लिए आपके अंदर स्किल है, यानी आप उस काम को कर लेते हो या नहीं कर लेते हो? क्वेश्चन नंबर 3, क्या दुनिया को आज की डेट में उस काम की ज़रूरत है? एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्या उस काम के बदले आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो अगर इन 4 क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो इसी काम को आपको करना चाहिए, यही आपका पैशन है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी एक अलग चीज़ बताता हूँ कि मान लो आपको कोई काम पसंद है पर आपको उस काम को करने नहीं आता, तो यार आप उस काम को सीखो, जस्ट सिंपल। नंबर 2, कॉम्पटिशन। गोपाल दास कहते हैं हमें कभी भी किसी से भी कॉम्पटिशन नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद का खुद के साथ करो, खुद के कल का खुद के आज के साथ करो, लेकिन हाँ, दूसरे के साथ मत करो। नंबर 3, ऑनेस्टी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हो उस काम में ईमानदार रहो, कभी भी किसी के साथ बेईमानी करके, धोखा करके, या आप जो भी गलत तरीके से पैसे कमाते हो, ऐसा करके आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो सबसे ज़रूरी ये है आप ईमानदार रहो। तो गोपाल दास हैरी से कहते हैं कि हमें अपने वर्क लाइफ को इसी तरीके से जीना चाहिए। अब हैरी और गोपाल दास आश्रम तक पहुंच गए, दोनों लोग कार से निकले, तभी हैरी की वाइफ ललिता का कॉल फिर से आ गया। हैरी ने कॉल उठाया तो उधर से कोई दूसरा आदमी बोल रहा था, उसने कहा कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। और फिर दोनों लोग तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगे, और फिर रास्ते में गौर गोपाल दास ने हैरी को सोशल लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट किया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वह हमें बस दूसरे लोगों की हेल्प करके ही मिलती है। इसलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपके हेल्प की ज़रूरत है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब हैरी और गोपाल दास हॉस्पिटल पहुंच गए, उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से पूछा
कि आखिर ललिता को क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर हैरी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह ललिता के पास गया और आज तक उसने जो भी गलती की थी उसके लिए उससे सॉरी बोला। फिर हैरी ने गोपाल दास को थैंक यू बोला लाइफ के इन अमेजिंग सीक्रेट को बताने के लिए। और फिर गोपाल दास को उसने आश्रम पहुँचाया और अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे हमारी ज़िंदगी के चार पहिए। अगर आपको अपनी लाइफ को खुश होकर चलाना है तो इन पहियों की देखभाल करो और इन चीज़ों को जिसे मैंने आपको अभी बताया इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। इस चीज़ को मैंने आपको बताया है गौर गोपाल दास की एक अमेजिंग बुक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट से। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।